हमारा नेक्स्ट पार्ट इंटेलेक्चुअल रबिश ये कर रहे थे। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होंगी सबको। सो वी आर डूइंग इंटेलेक्चुअल रबिश। अभी हमने ये वाला कर लिया था पूरा पिछले लेक्चर में। वेदांत ये नहीं थे, परी भी नहीं थी और प्रीति थी, प्रीति लांड के। तो हमने यहां तक पूरा कर दिया था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दी थी। हाँ माफ का कराए। हाँ ये वाला मार्किंग मैंने इसका पूरा कर दिया था। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो है तीसरा वाला इसका, ये हम पूरा करेंगे। देर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फियर। वन इज परसुएडिंग आवर सेल्फ। परसुएडिंग बोले खुद को मनाना कि मुझे डरने लग रहा है, दैट वी आर इम्यून टू डिजास्टर। कुछ नहीं होता है। हनुमान चालीसा का ले लो, डर भाग जाएगा। जय हनुमान बोलो। ऐसा एक तरीका हो गया। अब वो कृष्ण बोल रहा है, वेस्टर्न साइड के लोग को जय हनुमान बोलेंगे। एंड द अदर इज द प्रैक्टिस ऑफ शियर करेज। करेज की प्रैक्टिस करो। द लेटर इज डिफिकल्ट एंड एवरीबडी बिकम्स इम्पॉसिबल एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को बोलेंगे एक अंधेरे क्या बोलते रात के समय में गुफा में जाओ, अंधेरे गुफा में, तो कैसे लगेगा? तुम लोग वही बोलेंगे कि हमें किसको भी डर लगने वाला है अंधेरे गुफा में, अंधेरे में जाने के लिए रात के समय। वो इम्पॉसिबल है। सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, वो तभी थोड़ा बहुत पॉसिबल लगता है। द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन पॉपुलर। प्रिमेटिव मैजिक हैज द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी आइदर बाय इंजरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ। और प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ बाय तलिस्मन। तलिस्मन वाले में ताबीज वगैरह रहते थे, उससे प्रोटेक्ट करना खुद से, वो इम्यून हो जाते कि तुम्हें अभी कुछ डरने की जरूरत नहीं भूत से वगैरह। स्पेल्स स्पेल्स बोले तो मंत्र रहते ना, कौन से रहते? जय हनुमान, ज्ञान सागर और इनकैंटेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इनकैंटेशन? ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? अ सीरीज ऑफ वर्ड मतलब वो मंत्र, उसको इनकैंटेशन बोलते हैं। अभी मैं इसका फोटो डालूंगा ग्रुप पे। हाँ ग्यारह लोग आ गए। वे विदाउट एनी एसेंशियल चेंजेस बिलीव्स इन सच वेज ऑफ अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव थ्रू द मेनी सेंचुरीज ऑफ सिविलाइजेशन। साइंस हैज नाउ लेसेंड द बिलीव इन मैजिक बट मेनी पीपल पीपल प्लेसेस मोर फेथ इन मैस्कॉट्स। मैस्कॉट्स ताबीज रहते थे। हु इज राइटिंग इन दिस? चलो अभी बंद कर देता मैं। जब तक बंद नहीं करता तब तक तुम लोग सुनते ही नहीं। मैस्कॉट्स अब ड्रॉ करो, जिसको जो ड्रॉ करने का है। अभी इम्पॉसिबल ड्रॉ करना। मैस्कॉट का मीनिंग मूवी आ गया। ताबीज रहता मैस्कॉट बोले तो अ पर्सन और थिंग दैट इज सपोज और बींग गुड लक। ओके मतलब एक गुड लक का सिंबॉल उसको बोलते हैं मैस्कॉट बोलते हैं, सिंबॉल ऑफ अ गुड लक। इधर कुछ है क्या मैस्कॉट का कोई सिंबॉल? हाँ जैसे क्या बोला जाएगा मैंने, हाँ घर के जब न्यू घर में एंट्री होती है तब ऐसे गुड़िया वगैरह बनते हैं हम ऑफिस में, उल्टी गुड़िया, तो वो उसको एक गुड लक का सिंबॉल बोला जाएगा। समझ रहा है ना तुम्हें? हाँ ये हो जाएगा मैस्कॉट। अभी चार्जिंग किस चालू हो गई? मैंने चालू कर दी क्या? तो किसने चालू करी? देन दे आर विलिंग टू एवो नाइदर अ मैन। व्हाट इज एवो? डिक्लेरेशन दैट्स एवोइंग। नाइदर अ मैन नॉर अ क्राउड और नॉर अ नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली और टू थिंक सेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट फियर। एंड फॉर दिस रीजन पोल्ट्रोन्स। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्ट्रोन्स? कॉन्फिडेंस
कावर्ड पर्सन, डरपोक आदमी, आर मोरली प्रोन टू क्रुएलिटी देन ब्रेव मैन. मतलब इसका मतलब ये है, जो वीक माइंडेड पर्सन रहता, जो कावर्ड पर्सन रहता, ऐसी बातों पे जैसे ताबीज वगैरह उस पे जल्दी बिलीव हो सकता है और जल्दी उसको अटैक कर सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी टू द ब्रेव पर्सन, मतलब वीक माइंडेड पर्सन पे जल्दी अटैक, जैसे इलिटरेट पर्सन हो गया, ये इस इन बातों पे जल्दी भरोसा कर सकता है. एंड ऑल्सो मोर प्रोन टू द सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास. बट वी हैव बीन गेटिंग इन टू सॉलमैन. फॉर्मल, हम बहुत फॉर्मल बन रहे. सोलमैन का मतलब क्या है? फॉर्मल. सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूएल. ठीक है, चलेगा. डार्क एंड क्रुएल, ऑफन दे एड टू अ गेटी ऑफ लाइफ. नाउ द मीनिंग ऑफ गेटी इज चीयरफुलनेस. गेटी का मतलब क्या है? चीयरफुलनेस. सोना नहीं है, बहुत सारे जन सो गए ऐसे लग रहा मुझे, खुले आंखों से. आई रिसीव्ड वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ओसिरिस. अब ये कौन है गॉड ओसिरिस? वन सेकेंड. सम चैट इज केम टू मी. विशाल टू एवरीवन, हाय. अरे हाय. इन द सबब ऑफ बॉस्टन. सबब ऑफ बॉस्टन, अब फिर से दिखाना पड़ेगा. सवेरे ही मैंने दिखाया था सबब ऑफ बॉस्टन, फिर से अभी सबब ऑफ बॉस्टन ये रहता, बॉस्टन की गलियों में सब अर्बन ये रहे, दिख रहा है सबब ऑफ बॉस्टन. Although I did not enroll myself among his worship, first his letter gave me pleasure. I have frequently received letters from men announcing themselves as the Messiah and urging me not to omit to mention this information fact in my lecture. I admire especially a certain yes, Maniraj. Chatting, chatting पीछे से करो ना, मेरे को क्यों भेज रहे हो तुम चैटिंग का? मालूम है तुम लोग बैकग्राउंड में चैटिंग करते रहते हो. ओके, प्रोफेटेस का मतलब अ फीमेल प्रॉफेट, उसको बोलते हैं प्रोफेटेस. दोपहर के समय बहुत एनर्जी रहती है ना, बहुत नींद आती है ना दोपहर के समय. Who lived beside a lake in another New York state about year 1820. She announced to the numerous follower that she possessed the power of walking in the on the water. कुछ भी बोल रही थी वो, पागल समझ रही सबको कि पानी के ऊपर चल सकती थी. ऐसी फीमेल प्रोफेट प्रोफेट थी, वो बोलती थी कि पानी के ऊपर मेरे को चलने आता था और लोग भी लोगों ने मान लिया था. ओके. एंड दैट शी प्रपोज टू डू सो एट 11 o'clock ऑन अ सर्टन मॉर्निंग. मतलब ये सब ये जादुई बातें सिर्फ 11 बजे हो सकती थी किसी मॉर्निंग के. At the stated time, the faithful assembled in their thousand besides the lake. She spoke to them saying, are all you entirely persuaded that I can walk on water? With one voice they replied, we are. मतलब तुम्हारे को भरोसा है? वो लेडी ने पूछा था. सपोज वो लेडी परी है, परी ने बोला कि मैं एक 11 बजे किसी मॉर्निंग, ये कौन से अपन लेंगे सेकंड, दूसरे
2 जुलाई 2020 के 11 बजे ये एक चमत्कार करके दिखाऊंगी कि मैं पानी पे चल सकती हूँ। और फिर दूसरे दिन 11 बजे बहुत सारे लोग जमा हो गए परी को देखने के लिए, पानी के ऊपर चलती है कि नहीं सही में, क्या ऐसे झामर को मामू बना रही बोल के। तो गए और फिर परी ने पूछी कि क्या तुम लोगों को भरोसा है कि मैं पानी पे चल सकती हूँ? तो सब लोगों ने बोला कि यस, मतलब हम हाँ बोलते ना, कि जैसे मैंने पूछा तुम्हारे को कि लेसन समझा गया, तुम लोग सब बोलेंगे यस, हालांकि समझा नहीं होगा तभी भी यस ही बोलेंगे मेरे को। तो वैसे सब लोगों ने क्या बोला, यस। तो फिर परी ने क्या बोली कि अगर तुम्हारे को इतना भरोसा है तो मैं चल के क्यों बताऊं तुम्हारे को पानी के ऊपर, तुम्हारे को भरोसा है ना मेरे पे, बस हो गया खत्म बात, इधर ही खत्म हो गई बात। ऑन वाटर विथ वन वॉइस दे रिप्लाइड वी आर इन दैट केस शी अनाउंस देर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो, पानी के ऊपर चलने की कोई जरूरत नहीं। मतलब परी ने क्या करी, सच्चे मामू बना दी सबको। एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड। हम देखेंगे एडिफाइड का मीनिंग। हम मतलब वो घर में क्या सिखाने को गए, एडिफाइड बोलते सिखाना, इधर दिया भाई टीचिंग। Perhaps the word would lose some of this interest and a variety it if such beliefs were wholly replaced by cold science. A wise man will enjoy the good of which there is a plentiful supply, and of intellectual rubbish he will find an abundant diet in our own age as in every others. Okay, तो हमने एक्सरसाइज में से महिराज क्या सर, आपने एक्सरसाइज कितनी हुई थी इंग्लिश वर्कशॉप में से? पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा तो सर, तीसरा क्वेश्चन बाकी है ना, सेव आए। हाँ तीसरा क्वेश्चन चालू था, तीसरे इससे करेंगे सेव आए। वन शुड अवॉइड गेटिंग एंग्री फॉर अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्यों तुमने अवॉइड गेटिंग एंग्री, क्योंकि अगर तुम गुस्सा हो गए तो तुम्हारे को क्या लगेगा कि सामने वाले की हार हो, अपनी हार हो गई और सामने वाला जीत गया। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। द राइटर फाउंड हिज स्टे अब्रॉड वेरी प्रॉफिटेबल। क्योंकि उसे कुछ सीखने को मिला होगा। प्रॉफिटेबल I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. ये इधर दिया हुआ है आंसर। When I was young, I lived much outside my own country in the France and Germany, Italy and United States. I found this very profitable in diminishing the intensity of the insular prejudice. If you cannot travel, seek out people with whom you disagree. मतलब उसे कुछ सीखने को मिल गया था उसके वजह से ये insular prejudice के बारे में। Okay? समझ रहा है क्या? The writer grew less dogmatic and more open-minded. ज़्यादा ज़्यादा writer dogmatic बोले तो जो specific belief थे वो writer के हट गए थे और ज़्यादा ज़्यादा open-minded हो गया था। है क्या कही इधर? Okay, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure and realistic as possible. Reasonableness of a hypothetical opponent. इधर आंसर है, दिख रहा है ना आपको? टू चेंज माय माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी डायलॉग्स, बिकॉज ऑफ इमेजिनरी डायलॉग्स वो कम से कम डॉगमेटिक हो पाया और ज्यादा ज्यादा मतलब ही वाज स्टडीइंग अबाउट दैट थिंग ना। ये होगा तीसरा वाला, मेन डिक्लेयरिंग दैट दे आर सेंट्स राइट लेटर टू राइटर। Who is this Vishal? The writer claims that all false belief need not to replace by cold science.
वन सेकंड, हम ढूंढेंगे इसका फॉल्स बिलीफ, ये वाला। When at last they threatened to kill him, he spoke and told him this false tales. मतलब लोग कुछ भी भरोसा कर देते, हर बातें साइंटिफिक लॉजिकल रही तो सब लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, कोल्ड साइंस। Perhaps the world would lose some of the interest and variety if such beliefs were wholly, क्योंकि दुनिया इंटरेस्ट खो डालेंगी, इतना ही है बस कोल्ड साइंस का इसमें मिलेंगे। दिखाना आपको अब, राइट, मेक अस सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये होमवर्क कर सकते ना आप लोग, इतना करके रखो, मेक अ सेंटेंस ऑफ शोन द डिफरेंस ऑफ यूसेज ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स। होमोफोन्स डिवाइस और डिवाइस, ओके कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते ना इसका। व्हेन अ फैमिली मेंबर इज वेरी इल फॉर लॉन्ग, द ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर अर्जेस टू एवरी वन टू सेंड फॉर अ पर्सन हु क्लेम्स ही कैन क्योर द विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, काला जादू। तुम्हें डायलॉग कंपोजिशन करने का, ये क्वेश्चन कट कर दो, कुछ नहीं है, डायलॉग राइटिंग अभी आती नहीं तुम लोगों को। लिस्ट द वेरियस वेज ऑफ अवॉइडिंग एरर मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब चीजें जानना, अगर हमें मालूम नहीं होगा चीजों के तो हम कुछ भी चीजों पे भरोसा कर सकते हैं, अगर चीजों का नॉलेज हो हम लोगों को तो हम कुछ भी चीजों पे भरोसा नहीं करेंगे। व्हाट हैपेंड परी, क्या हुआ? परी दूर गार्डन में आगे बढ़ गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये इसमें मिल जाएंगे, ढूंढ सकते हैं आप लोग, इतने तो इंटेलिजेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट रबिश, बकवास बातों पे जो पीपल्स बिलीव करते थे, लोग बिलीव करते थे, पर वो सब चीजें रबिश थे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है एरिस्टोटल, जो वुमेन्स के कम दांत रहते थे, ऐसी बातों पे लोग भरोसा करते थे, इंटेलेक्चुअल लोग भी ऐसी रबिश थिंग पे, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल रबिश। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब का अपोजिट आपको ढूंढना है, मिल जाएगा, जो नहीं मिलता है वो पूछो मेरे को। राइट एन इमेजिनरी डायलॉग कंटेस्टिंग, फिर से डायलॉग राइटिंग है ही नहीं आप लोगों को, सो कैंसिल कर देंगे। सो हम लोगों का लेसन हो गया, अभी कितना बचे हुआ है, 9 पेज नंबर पे इंटेलेक्चुअल रवि, अभी दो ही बचे हुए, यानी नेक्स्ट वीक में तुम्हारा इसका इंग्लिश का हो जाएगा और फिर बाद में अपन हिस्ट्री चालू करेंगे, ओके?